हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सनासिस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है महिंद्रा बुलेरो और प्लस थ्री सिलेंडर इंजन, इसमें एमहॉक इंजन दिया रहता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद गाड़ी जब चल रहा है थोड़ा देर स्पीड जगेगा तो इसका गाड़ी चेक लाइट शो करता है और गाड़ी बंद हो जाता है और हमको खड़ा गाड़ी में ही चेक करा देता है। पहले हम इसको स्टार्ट करके देखा देता आपको। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेल्फ लिया, अभी देखो इसमें कुछ सिग्नल नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक्सेलेटर रेस देगा, थोड़ा सा रेस देगा तो इसमें सिग्नल आ जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ये दबाता है, सिग्नल आ गया, देख रहा है सिग्नल आ गया, बस गाड़ी हो गया बंद, गाड़ी हो गया बंद। दोबारा से स्टार्ट करूंगा फिर भी स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग सेल्फ लेके, फिर दोबारा से ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम। तो क्यों हो रहा है इसको हम स्कैन करके आपको चेक करता है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। अगर पसंद होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए आप लोगों को स्कैन करके इसका प्रॉब्लम दिखाता है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके भी दिखाएंगे, देखते रहिए कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, हम वही पुराना वाला स्कैनर इसमें हम फिट किया है, ऑटो एंडेड कारमान का। तो इसको स्कैन करके चेक कर लेता है क्या प्रॉब्लम, क्लियर दिखाओ, क्लियर आ रहा है। तो पहले इसमें हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और महिंद्रा में जाएंगे क्योंकि ये महिंद्रा बुलेरो है, महिंद्रा महिंद्रा बुलेरो पावर प्लस। तो पावर प्लस में जाएंगे, क्लियर दिखाओ थोड़ा जूम करके, और जेनरेक्स में जाएंगे, इसमें इंजन में जाएंगे, थ्री सिलेंडर इंजन थ्री सिलेंडर में जाएंगे और डायग्नोस्टिक ट्रैवल कोड देख सकते हो, इसमें जाएंगे, डायग्नोस्टिक ट्रैवल कोड देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखो फ्रेंड्स, जो गाड़ी बंद हो रहा है उसके लिए इसमें तीन फॉल कोड दिया है और तीनों से दो करंट है। इधर जूम करके देखा, थोड़ा थोड़ा जूम कर लो नज़दीक, दो है करंट और एक है हेलेज। मतलब जो जो करंट जो फॉल कोड है वो मिनिमम पॉजिटिव डिवाइस ऑफ रेल प्रेशर एक्टेड मीटरिंग यूनिट मोड, मतलब कि फ्यूल का डिलीवरी का प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, इसका वजह से वो फॉल कोड है और वो करंट में है। और नीचे जो है ट्विन मार्क्स फ्लाई व्हील एक्टिव शॉर्ट सर्किट एक्टिव को जो उसमें प्रॉब्लम है उसको हम ध्यान में नहीं देंगे, अभी जो स्टार्टिंग का इशू है, पिकअप का इशू है उसमें देखेंगे इसका जो फ्यूल का डिलीवरी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको मैनुअली चेक करना होगा। स्कैनर का जितना काम है वो बता दिया है। चलिए इंजन के पास आपको लेके जाता है, क्या प्रेशर है क्या नहीं है उसको देखेंगे, उसका हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए कंटिन्यू देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसका जो फ्यूल का प्रेशर है इसको पहले चेक करेंगे। तो फ्यूल प्रेशर चेक करने के लिए इसमें एक निकल दिया जाता है जो ईआर ब्लडिंग होता है, उधर से हम इसको चेक करके प्रेशर चेक कर लेंगे। चल चालू ऑन कर रहे, देखिए फ्रेंड्स प्रेशर है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसको चाहिए। बंद कर और एक बार ऑन कर, देख सकते हो इसमें प्रेशर बिल्कुल नीचे, कैमरा सामने देखा आ रहा है ना, ये इसका प्रेशर बहुत होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो पहले इसका फ्यूल टैंक का मोटर हम चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। बंद कर। सो फ्रेंड्स, अभी इसका जो हम टैंक उतरने वाला हूँ तो उतना नीचे हम कैमरा नहीं ले पाएंगे, तो जितना हो सके दिखाएंगे। तो कोशिश करता हूँ पहले इसका जो टैंक है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो लड़का लोग टैंक निकालने के लिए तैयार हो रहा है, टैंक निकालने के बाद उसका जो फ्यूल टैंक मोटर है उसको दिखाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इसका जो बुलेरो का टैंक है फ्यूल टैंक उसका हम खोल लिया है। अभी दोनों मेरा एक मैकेनिक इसका फ्यूल टैंक उतार के मोटर निकाल रहा है। तो मोटर निकालने के बाद इसका जो मोटर है ये हम
चेंज करेंगे, उसका बाद फ्यूल का प्रेशर दिखाएंगे और स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, तो कंटिन्यू भी तो देखते रहिए। तो थोड़ा हम कैमरा को पोस्ट कर लेते हैं कि पूरा खोलने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो कैमरा ले, मोटर को सामने लेकर उठा, पूरा उठा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका जो फ्यूल टैंक मोटर है ये निकाल लिया है। अभी इसका जो अंदर वाला मोटर है उसको कोशिश करेंगे, अगर वो सामान अंदर वाला जो मोटर है वो मिल जाएगा तो उसको चेंज कर देंगे, नहीं तो ये पूरा कम्प्लीट ही चेंज करना होगा। तो कंपनी का हिसाब से जाएगा तो इसका पूरा कम्प्लीट मोटर चेंज करना होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका सेम मोटर डाल के बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सस्ता होगा। कंपनी का नया डालेगा तो 8-9 हज़ार का दाम हो जाएगा, और डेल्फी का लगाएगा वो भी 5 हज़ार का हो जाएगा, और सेम मोटर में बन जाएगा तो 2 हज़ार का काम चल जाएगा। तो पार्टी का बजट के हिसाब से हम काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं पहले इसका मोटर का सैंपल कैसे है, उसका इस बात दिखाएंगे आपको क्या डिसीजन लेता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पुराना वाला मोटर, ठीक है, और ये आफ्टर मार्केट लोकल ब्रांड में मिल जाता है, ठीक है। इसको हम लगा के इसका जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा, हुआ कि नहीं हुआ देखेंगे, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। और जो फ्लोड है इधर, इसमें हम फिट करने वाला है। ओके, तो कंटिन्यू देखते रहिए, इसको फिट करके हम टेस्ट करके दिखाएंगे इसका पल्सर कितना बड़ा है और प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो जो पुराना मोटर है उसको चेंज करके नया मोटर उसमें फिट कर दिया है। अभी कंप्लीट मोटर को हम टैंक में लगा के टेस्ट करने वाला हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो टैंक है इसको हम प्रॉपरली फिट कर लिया है। अभी इसका जो फ्यूल प्रेशर है ये पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम था उसको भी इरेज करेंगे, उसके बाद ट्रायल करेंगे। चल, इग्निशन ऑन कर रहे, देख सकते हो फ्रेंड्स इतना प्रेशर है, तो इतना प्रेशर काफ़ी है। अगर ओरिजिनल रहता तो इतना तक आ जाता, मगर ये आउट ऑफ मार्केट का है इसलिए इसका थोड़ा प्रेशर कम है। तो अभी इसको स्टार्ट करेंगे, एक बार स्टार्ट कर, एक बार तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो फ्रेंड्स देख सकते हो पहले का बहुत राउंड ले रहा था, अभी एक सेल पे स्टार्ट हुआ। चल दोबारा से बंद करके स्टार्ट कर, बंद कर, स्टार्ट कर, बिल्कुल हाफ सेल पे स्टार्ट हो रहा है। अभी उधर जितना सारा फॉल्ट है उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रायल करके चेक करेंगे, कंटिन्यू देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी स्कैनर लगा के इसका जो फॉल्ट है उसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। अगर अपने आप चला जाएगा तो सही है, अगर नहीं जाएगा तो हम इरेज कर देंगे। सिलेंडर सोलो पिन कनेक्टेड, देख सकते हो अभी तक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए, नोटिस कीजिए, पहले इधर करंट में था, अभी देखिए हेलेट में दिखा रहा है, ठीक है, मतलब करंट फॉल जो था वो चला गया। इसको अभी इरेज कर देंगे, इरेज करने के बाद स्टार्ट करके थोड़ा रेस करके भी चेक कर देंगे और ट्रायल करके भी चेक कर देंगे। कंप्लीट नो ट्रैवल फॉर, अब इसको स्टार्ट करेंगे। हो गया स्टार्ट, अब इसको एक्सले रख देंगे, पिकअप बिल्कुल सही है, इंजन चेक लाइट भी नहीं आ रहा है और इंजन बंद भी नहीं हो रहा है, अभी इसको ट्रायल करेंगे। चलिए कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अभी हम एब्रोड को लेके ट्रायल पर है, अभी 50-60 स्पीड में भगा रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ भाग रहा है, कोई भी जर्किंग नहीं है, कोई भी पिकअप का प्रॉब्लम नहीं है, और इंजन बंद होने का बीमारी जो था पूरा जड़ से खत्म हो गया है। देखिए इधर मीटर देखा,
अभी 70 में जा रहा है और थोड़ा देर में ही इसको 80 उठा देंगे, और 80 से ज़्यादा नहीं उठेगा क्योंकि कमर्शियल कार है, इसमें 80 का पिकअप ज़्यादा रहता है। देखिए हो गया 80 हो गया, बस पिकअप खत्म, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कमर्शियल कार। तो इसका जो प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आया तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। तो चलता हूँ अगले वीडियो के लिए, तब तक इंतजार कर लेते हैं।